और इसी को लेकर के आज हम मुद्दा में चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। कर्नल अनूप सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हैं, आप भी लखनऊ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। और साथ ही साथ जयपुर स्टूडियो से मेरे साथ कर्नल अमरदीप सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले सवाल कर्नल अनूप सिंह जी आप ही से कि आखिरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा भारतीय सेना ने की है और ये सबके सामने हो गया कि पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोलता है, एक बार फिर से उसका जो झूठा चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। ये सही बात है जो आपने कहा कि वो अग्री नहीं कर रहे कि उनका विमान मार गिराया गया है। आज ये सबूत हो चुका है कि हमारे MiG-21 अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन ने उसको मारा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सबूत सबके आगे है जी। तो साथ ही साथ कर्नल अमरदीप साहब, जिस तरह की बातें पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक झूठी फैलाई जा रही थी, आज इस बात का खुलासा हो गया। भारतीय सेना ने भी कह दिया कि ये वो सबूत हैं जिसके आधार पर अब साफ हो गया है कि हमने उनका एक F-16 जो लड़ाकू विमान है वो मार गिराया था। ये आखिरकार झूठ कब तक चलेगा पाकिस्तान का? ये झूठ तो चलता ही रहेगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज से नहीं बहुत सालों से देश है स्टेट ऑफ डिनायल में है। अमरदीप जी जी, तो जो स्टेट ऑफ डिनायल है, जब हाँ जो पाकिस्तान पहले 10 साल उन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा, उन्होंने नहीं माना है। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें डेमोक्रेसी केवल नाम की है, वहां पर वो होता है जो उनकी सेना चाहती है। उनकी सेना नहीं चाहती भारत के साथ उनके संबंध सुधरें, क्योंकि वही सेना का वहां पर वर्चस्व केवल भारत से दुश्मनी करके बना रहता है। और अभी हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमारे आर्मी के जनरल्स ने, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने प्रूफ दिया है कि F-16 का विमान था, वो डिनाई कर रहे थे। कल तो उन्होंने ये भी कह दिया था उनके DGISPR ने कि हमने दो इंडियन पायलट पकड़े हैं, जो कि बाद में पता लगा कि जो दूसरा पायलट था वो उनका अपना था। तो इन सब के चलते मेरा जो मानना है कि पाकिस्तान एक विश्वास करने योग्य स्टेट नहीं है, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, अब इमरान खान साहब ने शांति का अपना हाथ बढ़ाया है और वो अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को बिना शर्त हमें लौटा रहे हैं। उनके पास कोई और चारा नहीं है, वो भी जानते हैं सीमाओं पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो बनी रहेगी। हम लोग अलर्ट हैं, हम हवा में, हम लोग जमीन पे, हम लोग समुद्र में नीचे सब जगह तैयार हैं, जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल साफ हुआ है। केवल यही नहीं, पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर और हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा तगड़ा लगा है। और जो हमने पिछले 4-5 दिनों में घोषणाएं की थी, उनसे MFN स्टेटस वापस लिया है, पानी के बारे में हमने बातचीत की है और संबंध तोड़ने की बातचीत की है। और इन सब के बीच आप अगर देखेंगे कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा NIA ने और सेना और बाकी सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। और पिछले 2 दिनों में 4 इनके टेररिस्ट को मारा गया है, बहुत जगह छापे पड़े हैं। और जो JEM और उनके साथी आतंकी संगठन हैं उनके फंडिंग पर, उनके कम्युनिकेशन सेटअप पर हमने वो किया है। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अब जो हमने ये प्रेशर क्रिएट किया है, इसको हमने प्रेशर को रिलीज नहीं करना है। पाकिस्तान के साथ हमने संबंध, लड़ाई नहीं करनी है लेकिन संबंध सुधारने का कोई औचित्य नहीं लगता। और कश्मीर घाटी में अभी हमें सेनाओं को जो खुला हाथ दिया है, हमें वहां से जो आतंकी तंत्र है उसका सफाया किए बिना हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। जी बिल्कुल, चैन से नहीं बैठना चाहिए। और भारतीय जो सेना है उसने लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने साफ किया कि पूरी तरह से देश की जो आर्मी है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी बताई कि किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ इन 2 दिनों में 35 बार सीज फायर का वॉयलेशन उसने किया है। कर्नल अनूप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रभात त्रिपाठी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक का जो वाकया हुआ और आज जिस तरह से सेना ने
पाकिस्तान का जो नकली चेहरा है उसको दुनिया के सामने उतार के रख दिया। पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो लगातार सबूत की मांग करता है, चाहे वो पठानकोट की बात हो या उसमें उसके बाद की बात हो, पुलवामा के बाद भी उसने सबूत मांगे। आज जिस तरह से दो दिन से झूठ बोल रहा था भारतीय विमानों को मार गिराने को लेकर के, दो पायलट कब्जे में होने की बात को लेकर के, आज सेना ने इस पर भी साफ कर दिया कि वो झूठ बोलता है। हम बार बार उसको आईना दिखाते हैं लेकिन बार बार वो अपनी बातों पर अड़ा रहता है। आखिरकार ये सिलसिला थमेगा तो कैसे थमेगा? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे आईएसआई और सेना सरकार चलाती है, आज जिस तरह इमरान ने बयान दिया वहां पार्लियामेंट के अंदर, अरे भैया आपको तो हमारे अभिनंदन जी को छोड़ना ही था। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया मेरा, आप कौन सी डील करना चाहते थे? सवाल आज इस बात का है, जैसे हमारे दोनों रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, मैं उससे बात आगे बढ़ा के कहता हूं कि आज मैं उस अभिनंदन को सलूट करता हूं जो कल आएंगे बाघा बॉर्डर से, लेकिन हमें अभी चुप नहीं बैठना है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। आज जो ये वार छिड़ी है या जो भी एयर स्ट्राइक हुई है, हमने आतंकवादी कैंप नष्ट किए हैं। पाकिस्तान पिछले 5 दशक से झूठ बोल रहा है और वहां जो प्रोपेगेंडा मीडिया चलता है जो लगातार ये दिखाने का प्रयास करता है कि हमारा तो F-16 विमान था ही नहीं, अब हमारे सैन्य लोगों ने उसको साबित कर दिया, हमारे पूरे तीनों जो जनरल थे। सवाल इस बात का है कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है ये हमने आतंकवादियों को के लिए की है। हमें पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक है वो मेरे भाई हैं, लेकिन अब ये एयर स्ट्राइक का अगर जवाब कल हमारे अभिनंदन जी आ जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल विल बहुत मजबूत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों में बहुत ताकत है इस चीज की, और पूरे विपक्ष ने ताकत दी भी है, पूरे देश ने ताकत दी है, 132 करोड़ जनता ने ताकत दी है, तो हमें उस ताकत का ये अंतिम लड़ाई हमें ये साबित करना है और हमें ये पाकिस्तान को बता देना है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय 52 देश हमारे साथ हैं, आप कंगाल पाकिस्तान हो, कमजोर पाकिस्तान हो, और अब समझ जाओ चाहे इमरान हो, चाहे वो सैनिक बाजवा हो, चाहे वो आईएसआई चीफ हो, कि भारत के संग तुमने पंगा लिया है और भारत पूरे पाकिस्तान से आतंकवादियों को समाप्त करके छेड़ देगा। तो मेरा ये कहना है जी, भारत सरकार को या हमारी सैनिकों को अब ये जो है स्थिति पे किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं आना है, क्योंकि पाकिस्तान फिर गुमराह करेगा आपको और आउट टेबल पे बैठ के, क्योंकि वो चाहता है कि ये पूरा मामला डाइवर्ट हो, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े और हमें किसी तरीके से अजहर मसूद और हाफिज सईद को न देना पड़े। अरे भाई, हमारी पहली शर्त है हाफिज सईद, अजहर महमूद जी, तो पायलट की हमारे जावाज पायलट आई जाएंगे, वो तो एक जनेवा कन्वे, वो तो इतना दबाव पड़ा है कि आपको छोड़ नहीं था। आपको याद होगा नचिकेत हमारे आए थे 1 हफ्ते बाद आए थे, लेकिन वो कल आ रहे हैं, पूरा देश मुझे नचिकेता भी याद है और करियप्पा भी याद है त्रिपाठी साहब, और पाकिस्तान की यही जो हकीकत है, हम बार बार उसे आईना भी दिखाते रहे लेकिन पाकिस्तान जो है कुत्ते की दुम की तरह है, सीधा होता नहीं है, बातें कुछ और करता है लेकिन असल में है कुछ और जी। लेकिन कर्नल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, अनूप सिंह जी, जिस तरह से भारत ने उजागर कर दिया और अब तक का जो वाकया हुआ उसने आपको उसने देखा है, आपने पूरी तरह से, आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह की पहल भारत की ओर से होनी चाहिए? देखिए, जो समस्या है हमारे आगे वो है जिहादियों की, वो एक्सटर्नल और इंटरनल में आप ले सकते हैं। एक्सटर्नल में तो कर्नल साहब ने उसका जेंटली ब्रीफली बता दिया है, जो इंटरनल समस्या है उसको हमें उसके साथ भी झूलना पड़ेगा। जो उधर की लोकल पॉपुलेशन है जी, कुछ ही 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनको पहले एजुकेट करना है, बिल्कुल छोटे बच्चों से उनकी अच्छी शिक्षा दी जाए, देश की तरफ प्रेम हो। दूसरा, ये जो गलत अफवाहें और जिहादी खबर जो फैल रही है व्हाट्सएप के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़पेपर, इनको कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस, इतनी फाइनेंस और पत्थरबाजों को पैसा दिया जा रहा है। J&K में ऐसे हो सकता है कि आप बड़े डिनोमिनेशंस के नोट ही ना इशू करें, 2000
500 के नोट ही ना हो, 100 के भी नोट ना हो, तो किसी को अगर लेकर जाना है, किसी को देना हो, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा ये है कि इनको हमारे जो उधर से पंडित लोग 89 में आ चुके हैं, हिंदू लोग वापस आ गए हैं, उनको री एस्टैब्लिश करना है। बेशक कोई सिक्योरिटी देकर कोई ऐसे जोन बनाया जाए जहां की ये वापस जाएं, अपने प्रॉपर्टी को क्लेम करें, ये एक बहुत मोटिवेशन होगा उनके लिए और डिटरेंट होगा जिहादियों के लिए जी। और दूसरी बात ये है कि उधर ज्यादातर यूथ जो किसी एम्प्लॉयड नहीं है, जब तक उधर इंडस्ट्री नहीं आएगी, जो कि हमारे आर्टिकल 370 और 35A, इसमें तो काफी लीगल प्रॉब्लम्स है निकालने के लिए, बट कुछ इंडस्ट्री अगर उधर एस्टैब्लिश नहीं होगी तो जो गरीब लोग हैं वो तो अपना पत्थर तो उठाएंगे ही। इन सब चीजों का अगर देखेंगे तो हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों का दिल भी जीत सकते हैं और उनका दिमाग भी जीत सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है जी। ये तमाम चीजें लगातार होनी भी चाहिए और जिस तरह से आप कह रहे हैं हो भी रही है, सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका दोहरा जो चरित्र है वो इसमें सबसे ज्यादा बाधक बनता है। वो जिस तरह से अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को पनाह देता है, भारत में आतंकवाद को फैलाता है, पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है, चाहे वो लाख मना करें उसके बावजूद भी। लेकिन दर्शकों को इस वक्त हम बता देते हैं, अनिल तिवारी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से। तिवारी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल तिवारी साहब आप ही से हैं, भारतीय जो सेना है, तीनों सेनाओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा उसको, समझा होगा, अभी तक का जो वाकया हुआ, अभी तक की जो कार्रवाई हुई भारत की ओर से, क्या वो काफी है? आखिरकार जो पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता है उसे किस भाषा में समझाया जाए? तिवारी साहब गया, उनका तो सबसे बड़ा पहलवान था, उसने मार गिराया उसको, और उस पर तुर्रा ये है कि हम बिना किसी नेगोशिएशन के बोल रहे हैं हमारे बच्चे को वापस दे दो, अब वो मजबूर है, तो इससे बड़ी चीज और हो क्या सकती है? अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं और ये समझ चुके हैं अब हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, इसलिए बिना शर्त के हमारा बच्चा कल को वापस आ रहा है, निश्चित ही ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब जो, लेकिन तिवारी साहब वो तो वापस करना ही था, जिनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को या इस तरह के पायलट जो मिसिंग होकर पहुंच जाते हैं, और खास बात यह है कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो गलती से पाकिस्तान पहुंचे हैं, कोई मिशन के तहत पाकिस्तान नहीं गए हैं, इस बात को भी हमने साफ कर दिया, सबूत भी दे दिए कि आपका F-16 मार गिरा, आप चाहे इस बात से डिनाई कीजिए। अब वो ठीक है गलती से पहुंच गए, लेकिन एक चीज तो हुई है कि एक पहलवान को बच्चे ने गिरा तो दिया, गलती से हुआ, मानता हूं गलती से हुआ, लेकिन हुआ तो ऐसा, तो उनको समझना चाहिए कि उनके पहलवान से हमारे बच्चे ज्यादा ताकतवर हैं। बिल्कुल अभिमन्यु वाली जैसी स्थिति हुई, अभिमन्यु बेचारा चक्र में फंस गया था, हम निकाल लाए, हम निकाल लाए उसको, तो ये पाकिस्तान के लिए सबक है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आगे के लिए बिल्कुल चेत जाए, लेकिन वो तो ऐसा है चेतता है ही नहीं, वो चेतने का उसका सवाल ही नहीं उठता, आज फंसा हुआ है, आज फंस गया है कि उसके ऊपर जो हाथ रखते हैं वो भी हाथ नहीं रख पा रहे हैं, उसकी पीठ पे जो हाथ फेरते हैं वो भी हाथ नहीं फेर रहे हैं, इसलिए बेचारा फंसा हुआ है, ये मुश्किल हो गई। तो अब जो है इनको बहुत कॉशियस रहना चाहिए और आगे की गतिविधियों पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे पास ये तो वाकई ट्रेलर है हमारा, और आगे हमारे पहुंचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमको पूरी तरीके से जी। कर्नल अमरदीप, मैं आपकी के पास आ रहा हूं, और जिस तरह से अनिल तिवारी साहब कह रहे हैं, लेकिन एक बात देखिए आपकी, किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है, अमरदीप साहब एक तरफ कहता है हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ दहशतगर्दी फैलाता है। आप देखिए आज सेना ने यह साफ कर दिया कि दो दिनों में 35 बार सीज फायर का वॉयलेशन पाकिस्तान की ओर से किया गया है। आप हमारे दर्शकों को क्या ये बताएंगे कि क्या बातचीत और इस तरह की दहशतगर्दी फैलाना दोनों साथ साथ चल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं चल सकते, और जो पास्ट में हम गलती करते रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बातों में आ जाते थे, मेरा मानना है कि हमें उनकी बातों में अब नहीं आना चाहिए।
हमें जो अपना अभी सख्त रवैया हमने अपनाया, हमें अपना स्टैंड मेंटेन करना चाहिए। विंग कमांडर अभिनंदन को वापस आना था, उनको तो रोकने का कोई वहां मतलब नहीं था, पाकिस्तान इस समय बहुत प्रेशर में है। लेकिन कल उनके वापस आने के बाद हमने ये स्पष्ट किया कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी जो कार्रवाई हमने शुरू करी है उसको जारी रखेंगे जी। दूसरा है कि पाकिस्तान को जब तक इंटरनेशनल लेवल पर हम अलग थलग नहीं करेंगे, उनके साथ ये सारी संधियां वापस रिव्यू नहीं करेंगे, उनके साथ खेल के सांस्कृतिक संबंध नहीं तोड़ेंगे, डिप्लोमेटिक उनके साथ संबंध नहीं तोड़ेंगे, तो पाकिस्तान सीधा नहीं होगा। सार्क से पाकिस्तान को लगभग बाहर कर दिया गया है। सार्क समिट हम पाकिस्तान दो बारी कोशिश कर चुके हैं, कोई और देश वहां जाने के लिए राजी नहीं है। इस प्रकार से हर फोरम पर, हर स्तर पर हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। और अगर कोई टेररिस्ट मिस एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश होती है, अभी हमारी सेनाओं के लिए यस उनको अलर्ट रहना होगा, हमारे सुरक्षा बलों को अलर्ट रहना होगा, हमारे पूरे देश के नागरिकों को अलर्ट रहना होगा। हम रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लड़ाई कोई बहुत इजी ऑप्शन नहीं है। लेकिन बार बार दुश्मन आके आपको एक ही तरीके से बेवकूफ बना जाए वो भी गलत होगा। तो अभी हमने जो सख्त रवैया अपना लिया है, मेरा ये कहना है कि कश्मीर में पीछे बात हुई थी आर्टिकल 370-35A की, उस पर बहुत ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है, लेकिन कश्मीर को एक सख्त हाथ से अभी ट्रीट करने की जरूरत है। सबसे पहले आपके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको आप जेल में डालिए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए, और कश्मीर के तीन विभाजन जो है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर घाटी का राजनीतिक विभाजन मस्ट हो गया है, आप उनका इलाका छोटा कीजिए और उनको एक सख्त हाथ से और कोई भी उनको लीवे दिए बिना, कोई उनसे नरमी का बर्ताव किए बिना आप उनको ट्रीट करिए। जितनी सब्सिडी दी जा रही थी कश्मीर को, अगर वही बंद करेंगे, वो कश्मीरी जो पत्थर फेंक रहा था कल वो नौकरी ढूंढने आएगा, उसके बाद आप स्कोप क्यों दे रहे हैं कि आप वो पत्थर फेंके। तो जब तक सरकारी, सैनिक और सोशल लेवल पर इन सब चीजों को हम टैकल नहीं करेंगे, पाकिस्तान और कश्मीर समस्या जो पिछले 30 साल से 40 साल से चल रही है वो वैसी के वैसी रहेगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ आज हमारे साथ पास में समय थोड़ा सा कम रहा इस चर्चा को लेकर के, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की आ गई थी उसके बाद, लेकिन फिर भी कर्नल अनूप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभात त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कर्नल अमरदीप सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और अनिल तिवारी साहब आप भी हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की बातें जिस तरह से होती हैं, वो अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की झूठ को भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। देखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या इसी तरह से झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ेगा, या वो अपने हरकतों से बाज आएगा। आप देख रहे थे मुद्दा, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, राजस्थान, प्रदेश की धड़कन।